वेलकम गाइस, आज हम जो बना रहे हैं ये 3-4 पोस्चर क्रोकी का है। कि इसके अंदर 3-4 स्टाइल में आपको बताऊंगी कि हम 3-4 टेरिक वाला पोस्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट तो बेसिक से करेंगे, जैसे सेंटर लाइन ड्रॉ की, उसको 1-1 इंच के डिविजन्स पे 10-12 हम डिवाइड करेंगे। और उसके बाद जो जिस तरह हम लोग लिखते हैं हिप हेड, जो भी जहाँ पर जो भी अलाइंस है लाइंस की, वो सब लिखेंगे। बेसिक स्टार्ट हमारा बेसिक क्रोकी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही स्टार्ट। यहाँ देखें, हमने बेसिक क्रोकी के लिए सब लाइंस ड्रॉ की और बिल्कुल स्ट्रेट क्रोकी बना ली। अभी सिर्फ हिप तक बनाइए, लेग्स के हमें मूवमेंट करना है 3-4 पोस्चर के लिए, उसके आगे ड्रॉने की मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे करें। अब जो ब्लू लाइंस हैं वो ओल्ड लाइंस होंगी और जो ब्लैक में होंगी वो सब न्यू लाइंस होंगी, जिसकी हेल्प से हम लोग 3-4 पोस्चर बनाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो ब्लैक लाइंस हैं वो 3-4 पोस्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी बेसिक क्रोकी है वहाँ से हम नीचे मूव करेंगे 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम उसी तरह हम दूसरी साइड से 0.2 ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस साइड पे शोल्डर स्लांट या टिल्ट देना चाह रहे हो। अगर राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है, तो आप वहाँ जहाँ से ऊपर करना चाह रहे होगे वहाँ से ऊपर 0.2 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे और दूसरी साइड से नीचे। अगर आपको इस साइड से करना है तो आप यहाँ से 0.2 सेंटीमीटर ऊपर जाओगे और यहाँ से नीचे, ठीक। नेक्स्ट आपका स्टेप है वेस्ट पे, जिस डायरेक्शन में हमने शोल्डर स्लांट लिया है उसी डायरेक्शन में हम वेस्ट स्लांट को मूव करेंगे, मतलब 0.2 यहाँ से ऊपर, ठीक है, और 0.2 ये वाले जो वेस्ट पॉइंट है, जो ब्लू लाइन है, उससे नीचे आएंगे। ये सेम मूवमेंट होगी जैसे हमारी शोल्डर की हुई थी। अगर शोल्डर इस साइड से ऊपर जाएगा तो यहाँ से बेस भी ऊपर जाएगा और शोल्डर नीचे जाएगा तो बेस भी नीचे जाएगा। उसके बाद हम नेक लाइन मूव हो गई और उसके बाद शोल्डर लाइंस को हम जॉइन कर लेंगे। यहाँ से ये पॉइंट वेस्ट वाला और ये शोल्डर वाला, इसको जॉइन करेंगे। ये शोल्डर जो अब ऊपर गए थे और यहाँ से जो ऊपर गए थे, इनको जॉइन कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास ब्लैक में जो पूरा टॉर्सो वाला पार्ट आया है, ये 3-4 पोस्चर का आया है। नेक्स्ट हमें चाहिए हिप वाली मूवमेंट के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वेस्ट वाला है वो इसके ऑल्टरनेटिव होगा। मीन्स अगर यहाँ से ये इस डायरेक्शन में है, नीचे डायगनल जा रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स यहाँ से ऐसे आएगा, तो हम वेस्ट से 0.2 नीचे लेंगे और ये वाले साइड से 0.2 ऊपर लेंगे, ठीक। और इन दोनों को जॉइन करेंगे। उसके बाद जिस तरह हम यहाँ से ऊपर गए थे उसी साइड से हिप वाली साइड, ये हिप लाइन है, ठीक। तो हिप लाइन से यहाँ से भी ऊपर जाएंगे और यहाँ से नीचे। अच्छा, यहाँ से हमने ये जॉइन कर लिया और ये आगे हिप का वाला पार्ट। पहले हमने टॉर्सो वाला पार्ट बनाया था, उसके बाद हिप वाला पार्ट। अब हमारी जो सेंटर लाइन है, जब हम लोग ये स्लांट या टिल्ट वाला पोस्चर बनाते हैं, हमारी जो सेंटर लाइन है वो भी मूव होती है, वो भी यहाँ से 0.2 सेंटीमीटर मूव होगी। तो हम 0.2 सेंटीमीटर का एक डॉट लगाएंगे यहाँ से और उसके बाद ये जो सेंटर है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ये पॉइंट को जॉइन करेंगे वेस्ट पे और यहाँ से हिप से, सही। ये जो सेंटर फ्रंट से हमारी सेंटर लाइन जो मूव हुई है, ये इसी डायरेक्शन में मूव होगी जिस डायरेक्शन में शोल्डर मूव हुआ है। अगर शोल्डर हम राइट से ऊपर कर रहे हैं और लेफ्ट से नीचे, तो हम राइट साइड पे मूव होंगे, और अगर हम लेफ़्ट से ऊपर कर रहे हैं राइट से नीचे, तो हम लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मूव होंगे। बाकी जो लाइंस होंगी वो सेम रहेंगी।
अब मेरे पास टॉर्सो वाला पार्ट भी आ गया, हिप वाला पार्ट भी आ गया, जो हमने एस पोस्चर में बनाया या स्लाइड कर्व में बनाया है वो। अब 3/4 के लिए हमें क्या करना है, जो शोल्डर हमारा नीचे ड्रूप हुआ हुआ है, मीन्स जो नीचे हुआ हुआ है, वहाँ से हम 0.3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ जाएंगे। सिमिलरली वेस्ट लाइन पे भी जाएंगे, ऑलराइट, और यहाँ से हिप वाले पार्ट पे भी जाएंगे। तो जिस साइड से हम 0.3 अंदर ले रहे हैं शोल्डर पे, उसी साइड पे हम अंदर मूव करेंगे वेस्ट और हिप पे भी। ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, 0.3 जो हम अंदर मूव हुए हैं, ये हमारी न्यू शोल्डर लाइन और वेस्ट, न्यू वेस्ट लाइन और न्यू हिप लाइन पे मार्क होंगे, पुरानी वाली पे नहीं, जो ब्लैक से हैं उसके ऊपर। तो ये यहाँ और यहाँ, अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 3/4 पोस्चर। अब इसकी कॉन्टोरिंग जो है मैं रेड पेन से करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि फाइनल पोस्चर हमारा कैसा होगा। ये जो बिल्कुल फाइनल है, इसके अंदर सारी लाइंस मूव हुई हैं, शोल्डर लाइन, बस लाइन, वेस्ट, ठीक है, ये टॉर्सो का पार्ट है। अब हिप के लिए, हिप की वेस्ट और हिप लाइन, ये सब 0.2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे गई है। अब यहाँ पे जो हम 0.3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ आए थे, 0.3 सेंटीमीटर न्यू वेस्ट लाइन पे, न्यू शोल्डर लाइन पे और न्यू हिप लाइन पे, उन सबको हमने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमारा ये वाला जो बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल जो होगा रिप्रेजेंट करेगा हमारे आर्म होल को, ठीक है। ये जो है हिप वाला पार्ट, इसको हम हाफ में करेंगे, इसका सेंटर लेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे, सही लाइन के दोनों साइड। उसके बाद हम एक कर्व बनाएंगे सेमी सर्कल और एक यहाँ से। ये सेमी सर्कल्स बन गए हमारे। अब इस सेमी सर्कल का जो हमने ये सेंटर पॉइंट लिया था, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन एंकल तक लेकर जाएंगे और दूसरा वाला लेग हम डिसाइड करेंगे हमें स्ट्रेट रखना है या उसको थोड़ा मूव करना है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। नीज के ऊपर हमने नी कैप बना लिया हाफ सेमी सर्कल और एंकल पे बना लिया। अब हम ये, हमने जो ये थाई सर्कल के लिए बनाया था ऊपर सेमी सर्कल हिप लाइन के ऊपर, उसके कॉर्नर से और यहाँ को हम सब इनको जॉइन कर। अच्छा, यहाँ पे हमें एंकल के लिए जो नी के मूवमेंट के लिए यहाँ से भी बनाना है। ये दोनों जो सेमी सर्कल्स होंगे वो सेम साइज़ के होंगे, ये इससे बड़ा होगा और ये छोटा होगा। हिप लाइन पे बड़ा होगा, नी लाइन पे दोनों सेम होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और एक एंकल लेंथ पे जो होगा वो एंकल लाइन पे नी लाइन से छोटा होगा, बड़ा होगा। नी वाला एंकल से बड़ा होगा और एंकल वाला नी से छोटा होगा। ये आ गया हमारा स्ट्रेट वाला लेग। अब ये वाला लेग जो है दूसरा वाला, इसको मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे थोड़ा सा इसको ओपन रखना है, आगे रखें, और जो नी से फुट बैक की तरफ आ रहा है, तो ये जो सेंटर लाइन है उसकी लाइन यहाँ तक आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम जो मूवमेंट करते हैं उसका एंगल सेमी सर्कल की डायरेक्शन में बनता है और ऐसे करके आता है, ठीक। तो नी लाइन जो होगी इसका सेंटर से यहाँ तक फिनिश हो जाएगी, सही। उसके बाद हम ये नी के लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे और दूसरी वाली मूव कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। अब मुझे यहाँ से नी से ये लेग वाला पार्ट पीछे की तरफ बनाना है, तो जो ये सेंटर लाइन है यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जो सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल इसी साइज़ का होगा जो हमने नी के लिए बनाया, और यहाँ से इस सेमी सर्कल का सेंटर लेके मैं लेग लेके चली जाऊँगी इधर पीछे की तरफ। अगर आपको ये बेसिक सिंपल सा बनाना है, आगे लेग मूव हुआ हुआ फ्लैश व्यू की तरह, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेंटर से हम यहाँ लेके जाएंगे एंकल तक, नी का पार्ट फिर हम इसके इक्वल बनाएंगे, ठीक,
और एंकल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे जितनी हमने यहाँ बनाए उतनी, और फिर हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, एंकल बना लिया हमने और नी बना लिया, ठीक है। नी लाइन से हम हाफ इंच नीचे की तरफ जाएंगे, जो लाइन मैंने ब्लैक में बनाई है यहाँ, ठीक। और ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर यहाँ हमने मूव होना है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 0.2 सेंटीमीटर की लाइन और ये नी लाइन का जो है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। आप स्केल से कर लेना, अभी फ्री हैंड बता रही हूँ, तो स्केल से रखूँगी आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद ये लाइन हम इससे ज्वाइन कर लेंगे एंकल से, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इधर एंकल से, सही। फाइनल ये हमने फीट ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे हमारा पूरा 3/4 पोस्चर ड्रॉ हो गया। आर्म्स का मैंने आपको बता दिया था कि हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल से आर्म ड्रॉ कर लूँगी, और ऑब्वियसली ये वाली साइड कट हो जाएगी जब हम इसको कंट्रोल करेंगे, तो दूसरा वाला हम आर्म हमारा शो नहीं होगा। आर्म के लिए हमारा जो आर्म होल वाला सर्कल था उसके यहाँ से हमने हाफ सेमी सर्कल बनाया, उसके सेंटर से हम नीचे गए बेस से ये डॉटेड इमेजिनरी लाइन से, ठीक। ये हम ड्रॉ नहीं करते, ये सिर्फ बाद में हम इरेज कर देते हैं। आपको बताने के लिए मैं यहाँ से बता पेन से ड्रॉ करूँ कि आपको सही से नज़र आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ सेमी सर्कल बनाया ये, और ये हमने जॉइंट के लिए जैसे हमने लेग के लिए किया था। अब ये आर्म स्ट्रेट नहीं, थोड़ा वेस्ट के ऊपर प्लेस होगा, तो यहाँ से मैंने सेमी सर्कल बनाया जो यही साइज़ का है। सेंटर लाइन इधर आ जाएगी, रिस्ट इधर आ जाएगी, और फिर हम इसे डायरेक्ट यहाँ से जॉइन कर, और हमारा हैंड इधर आ जाएगा, ये हो गया है। और फिर हम इसका सेंटर लेंगे और यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया एल्बो वाला पार्ट। यहाँ हमारी हो गई है 3/4 पोस्चर की क्रोकी बिल्कुल कंप्लीट, और ये अनकंटोर्ड है, ये कंटोर्ड नहीं है। तो अनकंटोर्ड रेडी हो गई है, और ये यहाँ पे सबसे पहले के जो ब्लैक में है ये आपकी 3/4 पोस्चर की क्रोकी है। ऑलराइट, 0.2 ऊपर गए, 0.2 नीचे, शोल्डर, बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, फिर हमने टॉर्सो ड्रॉ कर लिया। वेस्ट से हिप के लिए वेस्ट से यहाँ से ऊपर 0.2, सब में हमने 0.2 नीचे ऊपर गए। सिर्फ हम 0.3 कहाँ आए थे, 0.3 हम शोल्डर से अंदर की तरफ मूव हुए थे कि हमें ये बॉक्स शेप मिल जाए। जब मैं आपको कॉन्टोर्ड वाले बताऊँगी तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि ये हमने बॉक्स क्यों बनाया था। आर्म इधर आ जाएगा, बाकी ये टॉर्सो वाला पार्ट, लेग की मूवमेंट, काफ वाला पार्ट, और ये हो गए आपके फीट। तो यहाँ हो गया हमारा 3/4 पोस्चर कंप्लीट। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।